कक्षा पांचवी की सुंदर प्रस्तुति के बाद अब मैं कक्षा छठी के छात्र छात्राओं को आमंत्रित करना चाहूंगी कविता और भाषण प्रतियोगिता के लिए। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी अनन्य को कक्षा छठी से। सुप्रभात, मेरा नाम अनन्य सुभाष है, मैं कक्षा छठी की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है शहीदों को नमन। है नमन उनको कि जो यश गायक को अमरत्व देकर इस जगत की शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुल वंश I'm not afraid.
जिसका शीर्षक है भ्रष्टाचार। इस देश की है बीमारी ये भूखे भ्रष्टाचारी, जिस थाली में खाना खाते छेद उसी में करते हैं, लाख गरीब के पेट पे मार घर अपना ये भरते हैं। इस देश की है बीमारी ये धनवान भिखारी। मौसम जो चुनावों का आता अल्लाह के नाम पे, देते वो गाना इनको बस एक लिया था। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रामदीप है और आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है भ्रष्टाचार। दोस्तों, भ्रष्टाचार का अर्थ है किसी भी लाभ को प्राप्त करने के लिए जब हम गलत रास्ते को अपनाते हैं, वह बेमानी और अपरोध का एक रूप है। इसमें रिश्वत वे गबन जैसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। जब किसी दफ्तर में सरकारी या सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी भी आधिकारिक कार्य को करने के लिए गलत रास्ता चुनता है या अपनी क्षमता से बाहर जाकर कार्य करता है, वह भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार एक विश्वव्यापी मुद्दा है। यद्यपि सारा विश्व भ्रष्टाचार जैसी ग्रस्त है, परंतु भारत जैसे कुछ देश विकासशील देशों में ये एक विकराल रूप ले चुका है। भ्रष्टाचार केंद्र राज्य में स्थानीय सरकारी एजेंसियों को भारत अर्थ पर प्रभाव डालता है। दोस्तों, अब मैं आपके सामने कुछ हैरान कर देने वाले आंकड़े पेश करना चाहता हूँ। 2005 में एक सर्वे में दर्ज किया गया कि 92% से ज़्यादा भारतीयों ने कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी को रिश्वत दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में घोटाले में लगभग 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ और 2G घोटाले में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार। 8 नवंबर 2016 में जब 1,500 रुपए के नोट चलन से बाहर हो चुके थे, तब सोने की कितनी खरीदारी हुई कि सोने का दाम 45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो चुका। दोस्तों, सरकार ने कई कानून बनाए हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और स्वामी रामदेव ने भी काले धन को रोकने के लिए आंदोलन शुरू किया और 2011 से 12 में अन्ना हजारे ने भी आंदोलन शुरू किया, लेकिन वो पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हो पाया। उसको ख़त्म करने का एक ही उपाय है कि मैं, आप, यहाँ उपस्थित सारे इंसान व देश का हर नागरिक एक बार ये सोच ले कि हमें किसी भी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी को रिश्वत नहीं देनी। वह अपने अधिकार को लड़ना है। उस दिन यह भ्रष्टाचार रूपी सुरसा हमारे भारत देश से छुटकारा पाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांश है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ और मैं यहाँ पे कक्षा कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है भ्रष्टाचार। शीश कटाते फौजी देखे, भाव गिराते आंख दिखाता पाकिस्तान। कोई तो मुझे बता दो ये क्या है भारत निर्माण। अन्न का
कोई तो मुझे बता दो कि ये कैसा है भारत का निर्माण। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मानसी कक्षा छठी से आप सभी को भ्रष्टाचार के विषय में कविता सुनाने जा रही हूँ। मैं सोचती हूँ कई बार अपना देश है क्यों और मजदूर देश का हो गया कंगाल। वीर सिपाही सीमा पर करता यही पुकार, अपने देश में क्यों फैला है इतना भ्रष्टाचार। अनेक धर्म अनेक भाषा फिर भी एक तिरंगा है, हिंदू और मुस्लिम के बीच फिर क्यों होता दंगा है। मैंने देखा इंसानियत को बिखरे बीच बाजार, अपने देश में क्यों होता है इतना भ्रष्टाचार। झट से बोले सारे मानस कहाँ है सरकार, अपने देश में क्यों होता है इतना भ्रष्टाचार। बचपन में पापा कहते थे ईश्वर एक वरदाता है, जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर हमारी भारत माता है। आज ईमानदार और सत्यवादी का हो चुका बहुत लाचार, अपने देश में क्यों होता है इतना भ्रष्टाचार। कभी तो मानव जागेगा लिए बैठे अपनी आस, कभी तो मानव जागेगा लिए बैठे अपनी आस, करेगा और पढ़ेगा मानव तू क्यों है उदास। साई कहते थे जग में मतलब का व्यवहार, साई कहते थे जग में मतलब का व्यवहार, अपने देश में क्यों फैला है इतना भ्रष्टाचार। धन्यवाद। राजनीतिक व्यापार
बड़े लोग शास्त्री जैसे ईमानदार नेता की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने ही हमारे देश में भ्रष्टाचार कम करने का काम किया। हमारे देश के युवाओं को भ्रष्टाचार कम करने के लिए आगे आना चाहिए। हमें भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ठोस कदम की आवश्यकता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वो भ्रष्टाचार के ऊपर है। मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खाते की या अपने खाते करना। अपना सुख भी एक के साथ ही अपना दुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता ले। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो सहरा बन सकता है जरा, एक से एक मिले तो कतरा बन सकता है दरिया, एक से एक मिले तो राही बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। धन्यवाद।